करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज हम इस वीडियो में आपके लिए बे के जोड़ के मज़ीद तीन अल्फाज लेकर आए हैं। बे को नून के साथ कैसे मिला जाता है, बे को वाव के साथ कैसे मिला जाता है और बे को हे के साथ कैसे मिला जाता है। तो आइए भी और शुरू करते हैं। सबसे पहले बे जहाँ से स्टार्ट होती है उसका उस तरह से आपने फर्स्ट जो सिरा है इस तरह बनाना है। यहाँ से आपने अलिफ बनाना है ढाई कद का और कलम की नोक के साथ आपने इसको इधर से बैलेंस करना है ताकि ये खूबसूरत भी दिखे। यहाँ पे चार कद आपने लगाने हैं और नीचे ढाई कद लगाने हैं। अब यहाँ से बारीक कलम स्टार्ट करके यहाँ से कलम को घुमाते हुए पूरी चलाते हुए गोल करके इस कद के पास से गुजारना है और उस कद के पास ले आकर बारीक तरीके से छोड़ना है। ये दोस्तों यहाँ से ऐसे बारीक होगा। ये है बे को नून के साथ कैसे मिला जाता है, इस तरह लिखा जाता है बे को नून के साथ जब लिखते हैं। अब दोस्तों जब बे को वाव के साथ मिलाते हैं तो बे को अलफ की शक्ल में लिखना होता है। यहाँ से नीचे से ऊपर टर्न करके और फिर ऊपर से नीचे की साइड पे जैसे वाव बनाते हैं जैसे काफ बनाते हैं यहाँ पे ले आके छोड़ देना है और यहाँ पे सेम वाव की तरह हमने इसको बनाना है। ये देखें ये बे को वाव के साथ मिलाते हैं, इस तरह लिखा जाता है। ये देखें अब इसके बाद बे को हे के साथ कैसे मिला जाता है वो देखें। जैसे मद होती है अलिफ के ऊपर जो मद होती है आप वो मद डालकर उसके नीचे आप ये बे इसका नुक्ता डालेंगे, ये हो जाएगा बे हे के साथ कैसे मिला जाती है। अब ये बे छोटी भी होती है और इस मद को बड़ा भी लिखा जा सकता है। ये देखें दोस्तों ये थे आज के अल्फाज। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। जाने से पहले दोस्तों हमारे चैनल अनमोल आर्ट्स एंड ग्राफिक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। अल्लाह हाफिज़।